मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक डाउट क्लियर करने जा रहे हैं, डाउट सेशन का जो 4 नंबर वीडियो बनाने जा रहे हैं, और उसमें अपना व्यूअर का एक क्वेश्चन था, सर कार्टून साइज कैसे डिसाइड करते। कार्टून साइज डिसाइड करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। आप प्लीज़ मेरा चैनल का मेंबरशिप लीजिए, और मेंबरशिप नहीं लेंगे तो चैनल चलाना मुश्किल हो जाएगा अपने लिए। और जैसे कि आपको मालूम है, मतलब बांग्लादेश पाकिस्तान का जो व्यूअर लोग है, मेरा बहुत सारे हो गए, लेकिन वो लोग मेंबरशिप नहीं ले पाते, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है चैनल का, जिसके कारण उनको व्यूज बढ़ाने के लिए वो लोग पूरा प्रयास करते हैं, क्योंकि वो लोग बोलते हैं मेंबरशिप दे दो, हम दे नहीं पाते। और आप लोग को ये बोला जाता है थोड़ा मेंबरशिप लेके चैनल को थोड़ा मतलब एनकरेज दीजिए, ताकि चलता रहे। और ये जो डाउट सेशन का 4 नंबर है, कार्टून साइज डिसाइड करने के लिए अपना एक बना रहे। और फॉर एग्जांपल देखो, टोटल कोन अपन 24 कोन का एक कार्टून कैसे डिसाइड करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ चाहिए। देखो सबसे पहले कोन वेट, कोन वेट कोई 1.89 करता है, कोई 2.5 kg करता है, कोई 3 kg करता है, तो उस हिसाब से पैकेज साइज, कोई 24 कोन करता है, कोई 32 कोन करता है, तो अलग चीज़ है। जो एक्सपोर्ट क्वालिटी जो बनाते हैं, जनरली 24 कोन का 1.89 kg करते हैं, डोमेस्टिक में कुछ भी बनाते रहते हैं। और समझ लो कोन का जो बेस है 210 mm, कोन का बेस देखो पहले क्या चीज़ होता है। जैसे ये कोन है, ठीक है, ये कोन है, ये आपके हो गया बेयर कोन, खाली पेपर कोन। इसमें समझ लो माल ऐसे है, ये मटेरियल है, ये जितना है ना, ये मटेरियल है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये साइड बोलते हैं नोज साइड, जो पतला साइड होता है नोज साइड, ये बोलते हैं बेस साइड, जो अडाप्टर में लगता है। तो समझ लो बेस का डाया हो गया 210 mm, और डाया नोज का हो गया 170 mm, ठीक है, कोन हाइट हो गया 172 mm। तो ये जो कोन हाइट होता है ना, ये 172 mm, ठीक है, इसका डाया हो गया 170 mm, इसका डाया हो गया, इसका 170 mm, मतलब इस साइड का, और ये जो है बेस वाला साइड जो होता है, ये हो गया 210 mm, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये इतना जो होता है 210 mm, इतना होता है 170 mm, ठीक है। और कोन हाइट देखो 172 mm, कोन हाइट मतलब पेपर कोन जो होता है यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट होता है 172 mm। सेपरेटर थिकनेस, सेपरेटर क्या होता है देखो, जैसे कार्टून का अंदर अपन 6 कोन रखे, इस तरह रखे, देखो पहले बेस साइड नीचे है, फिर नोज साइड उसके बगल में, नोज साइड अंदर करना, फिर बेस साइड रखना, मतलब एक बेस साइड एक नोज साइड, उल्टा एक बेस साइड एक नोज साइड, एक बेस साइड एक नोज साइड, मतलब 3 कोन इसका रहेगा, 3 कोन इसका रहेगा, मतलब 3 ऊपर दिखेगा नोज साइड और बेस साइड नीचे जाएगा, फिर अगली बार में उसका उल्टा हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे ही 6 कोन का 4 लेयर रहता है, ठीक है। तो सेपरेटर थिकनेस देखो 6 mm, सेपरेटर क्या होता है, जैसे 6 कोन हो गया उसका ऊपर एक पुट्ठा रखते हैं, कभी कभी कार्टून का नीचे की पोर्शन में कोरूगेटेड जो पेपर होता है ना, पुट्ठा बोलते हैं, वो रखते हैं। वो रखने से क्या होता है, कोन साइड से घिसे के ख़राब नहीं होगा, या आपस में घिस के ख़राब नहीं होगा, लेयर टू लेयर घिस के कभी कभी कट जाता है, बड़ा क्लेम देना पड़ता है। तो वो जो लेयर होता है
कोई 4 लेयर देता है, कोई 3 लेयर देता है, ठीक है। कोई कोई नीचे लेयर जो पुट्ठा नहीं डालता, 1 लेयर की पार्ट डालता है, फिर 2 लेयर की पार्ट डालता है, फिर 3 लेयर की पार्ट डालता है, मतलब ऐसे ही 3 या 4 देता है। और 6 कोन्स पर लेयर, 1 लेयर में 6 कोन रहता है। और 4 सेपरेटर टू यूज, सेफ्टी के लिए 4 सेपरेटर यूज करता है, कोई 3 करता है, कोई करता भी नहीं, जैसे डोमेस्टिक माल है करता नहीं। तो उसमें देखो, जैसे अपन ये जो साइज रहा ना, ये यहाँ से यहाँ तक जो रहा, इसको लेंथ बोलते हैं, ठीक है। और ये जो रहा, ये विड्थ बोलते हैं, ठीक है। और जो 6 कोन का ऐसे ही 4 लेयर ऊपर तक जाएगा, इसको हाइट बोलते हैं, ठीक है। समझ लो लेंथ कैसे डिसाइड करनी, 210, 170, 210 ये हो गया 590 mm। जब 6 कोन नीचे रखोगे, ये वाला साइज रहेगा, तो 590 mm का रहा। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये ज़्यादा छोटा हो जाएगा, कोन क्या होगा, बल्जी हो जाएगा, मतलब कार्टून फाड़ देगा, वैसे ऊपर सूजा हुआ रहेगा, तो बल्जी नहीं होना चाहिए। वो ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए, लूज होने से क्या होता है, तो वो आपस में टकराएगा, जैसे ज़्यादा जगह रहा वो कोन छोटा छोटा है, तो ऐसे हिलेगा झुलेगा। तो कोन बिल्कुल बराबर बैठना चाहिए, न लूज रहे न टाइट रहे। तो ये समझ लो 590 mm का अपना लेंथ आ गया ये कार्टून का। उसके बाद देखो विड्थ कैसे होगा, 210, 170 ये वाला विड्थ है, तो ये 210 बेस रहेगा, फिर नोज रहेगा 170, 210 170 लगा दो 380 mm, ठीक है। ये हो गया विड्थ। वो हेड कितना हो गया, देखो 172 mm का एक कोन का लंबाई, पेपर कोन का 172 + 6, मतलब पहला लेयर जो होता है कार्टून का नीचे, उसका ऊपर अंदर अगर पुट्ठा दोगे, तो पहले 6 mm का पुट्ठा रहा, फिर 172 mm, फिर 6 mm का रहा 172, ऐसे 4 लेयर हो गया, वो टोटल 712 mm का हो गया हाइट। समझ लो आपने 4 पुट्ठा नहीं दिया, ये पुट्ठा सब है, 4 नहीं दिया 3 दिया, तो 6 mm और कम हो जाए, 706 mm हो गया। समझ लो आपने बिल्कुल पुट्ठा दिया नहीं, तो 688 mm हो जाएगा, कोई पुट्ठा का हाइट जुड़ेगा नहीं। पुट्ठा चाहे 6 mm 5 mm उसी हिसाब से जोड़ना, कौन साइज जो है उसी हिसाब से जोड़ना। और आपको बता दूँ, ये जो कार्टून साइज होता है ना, मटेरियल टू मटेरियल भारी रहता है, मतलब जैसे पॉलिस्टर बनाओगे, पॉलिस्टर में थोड़ा ज़्यादा कम्पैक्ट होता है, पॉलिस्टर करोगे तो ज़्यादा कम्पैक्ट रहता है। समझ लो वही वाला माल आप ऊल का बनाओगे, ऊल में क्या होगा, बल्कि रहेगा, एक्रिलिक बल्कि रहेगा, तो मटेरियल टू मटेरियल भारी रहेगा। तो आप और होजियरी काउंट, वार्प काउंट या कंपैक्ट कोम्ड, उसमें मटेरियल टू मटेरियल थोड़ा थोड़ा भारी रहेगा, तो उस हिसाब से कार्टून साइज आपको कभी कभी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये कार्टून साइज जो मैंने दिया, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वो मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया। इस तरह आप डिसाइड कर सकते हो, इससे आप 5 mm वाइड साइड रख सकते हो, कम नहीं करना, जैसे ये मेजरमेंट के हिसाब से आया तो 5 mm ज़्यादा रख सकते हो, लेकिन कम नहीं करना। क्योंकि देखो कौन, जैसे 210 mm का रखा कोई, समझ लो 50 ग्राम भारी कौन लिया आपने, 50 ग्राम का तो अलाउ है ना, तो 210 की जगह 215 आ गया, तो उस केस में क्या करोगे, तो उस हिसाब से आपको फिर दिक्कत जाएगा। तो ये जो है बहुत क्लियर पिक्चर है, इस तरह अगर डिसाइड करोगे, आपको कभी कार्टून साइज डिसाइड करने में कभी दिक्कत नहीं जाएगा। आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, थैंक यू।